थाना कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा कमर्शियल कनेक्शन को घरेलू बताकर कनेक्शन काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। महानगर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित न्यू कोशाल नगर में कल्पना साड़ीज के नाम से दुकान है, जहां लंबे समय से बिजली का कमर्शियल कनेक्शन है। आरोपी की बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इसे घरेलू कनेक्शन बताकर बिना किसी नोटिस के लाइन काट दी। पीड़ित पक्ष के अनुसार कनेक्शन दुकान की मालिक कल्पना के नाम पर है, लेकिन बिजली विभाग के लोगों ने उपभोक्ता के पति नवनीत कुमार के नाम से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की शिकायत स्थानीय अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पीड़ित को न्याय मिलने का इंतजार बना हुआ है। पीड़ित के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा दिखाई गई FIR और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिए गए जवाब बहुत बड़ा अंतर बताया जा रहा है। बहरहाल मुरादाबाद में सामने आए इस खुलासे के बाद बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नवनीत कुमार वार्ष्णेय जी, कि क्या समस्या आपकी? मतलब समस्या ये है, 8/11/2020 को बिजली विभाग ने हमारा कनेक्शन बिना कोई सूचना के काट दिया। जेई राजीव रंजन से संपर्क करने के बाद हमसे कहा गया कि अगले दिन ऑफिस आइए। ऑफिस जाने पर वहां मौजूद संजीव रोहेला ने हमसे कहा, जी 50,000 रुपये दे दो, मामला नवाब का निपट जाएगा। हमने कहा, क्या मामला है कि हमने तुम्हारी प्रतिष्ठान पर 7 तारीख को चेकिंग दिखाई है सुबह मॉर्निंग में, और जिसमें आपको बिजली चोरी करते हुए दिखाया है। हमने कहा, हमें सबूत दिखाई, बोले आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा, रुपए दे दो, मामला खत्म करवा देंगे। हमारे विरोध करने पर वो आमादा फसाद हो गया, हम वापस आ गए। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आला अधिकारियों से हम शिकायत कर चुके हैं, इनका कहना यह है कि हम 7 तारीख को सुबह 6 बजे आपके यहाँ प्रतिष्ठान पर चेकिंग करने गए थे, जबकि ऐसी कोई भी चेकिंग इन्होंने करी नहीं है। इन्होंने जेई राजीव रंजन और संजीव रोहिला ने साजिश रचकर हमें फंसाया है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरों में सारी फुटेज कैद है 1 माह की, जो ये कह रहे हैं कि हमने आपके यहाँ चेकिंग करी है, ऐसी कोई भी चेकिंग इन्होंने नहीं करी है, फर्जी झूठी चेकिंग दिखा रहे हैं ये लोग। तो आपने शिकायत की थी, तो क्या जवाब आया उसका? जवाब कुछ नहीं आया। जिन्होंने जेई साहब का FIR में कथन कुछ और है, और EXIN साहब का जो इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जवाब दिया है उसमें जवाब कुछ और है, भिन्नता है दोनों में ही। इसलिए साजिश की वो है जो मेरे नाम से FIR कराई है इन्होंने, जबकि कनेक्शन मेरी पत्नी के नाम से है। मेरा वाणिज्य विद्या में कनेक्शन है, इन्होंने घरेलू कनेक्शन दिखाया है, जो रंजेश को साफ बयान करता है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो न्याय चाहता हूँ। मैंने सब लोगों को जो भी अपनी कंप्लेन दी है उसमें यही कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन्होंने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच हो।